कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर तंज कसा है और कहा कि बीजेपी पन्ना प्रमुख शीर्षक बदले। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ में वोटर लिस्ट में 17-18 पन्ने होते हैं और इन पन्नों में वोटरों के नाम होते हैं। इन लोगों में हर पार्टी के विचारधारा के लोग शामिल हैं। ऐसे में पन्ना प्रमुख शब्दावली केवल बीजेपी के प्रयोग करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं बदला जाता है तो कोई भी कोर्ट की शरण में जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कुल्लू में जिला स्तरीय सम्मेलन में भी शिरकत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद के बिना हिमाचल में कांग्रेस का आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और संगठन को एकजुट कर रहे हैं। इसके लिए पुरानी बातें भूलकर आगे चलने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनावों में जो वायदे नरेंद्र मोदी ने जनता के साथ किए थे वे इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। वहीं कुल्लू के सम्मेलन के दौरान जिला भर से आए कार्यकर्ता व कुल्लू के नेता मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ बहुत सफल सम्मेलन का आयोजन हुआ और काफी हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमने बोलने का मौका दिया, तो सुझावों को मैंने आमंत्रित किया और जो भी सुझाव पार्टी के हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दिए हम उस पर अमल करने का जो है प्रयास करें। सर, आज ऊना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुआ है, क्या कहना है आपको, किस तरह का रहा है प्रदर्शन और पन्ना प्रमुख के ऊपर आपने आपत्ति भी जताई है? देखिए, सम्मेलन करना ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला है, वो सम्मेलन करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे जो पन्ना प्रमुख है जो ये शीर्षक दे रहे उस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि पन्ने में अगर 30 वोटर हैं उन वोटरों में कांग्रेस विचारधारा के लोग भी होंगे, कुछ स्वतंत्र विचारधारा के लोग भी होंगे, वामपंथी भी हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो वो लोग हैं उन लोगों पे जो पन्ना प्रमुख शब्द है वो ठीक नहीं बैठता। उन वोटरों ने अधिकार नहीं दिया कि जो पन्ना प्रमुख है वो नाम दिया जाए, ये गलत है। वो कुछ और नाम दे सकते हैं लेकिन वोटरों ने अधिकार नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई पन्ना प्रमुख उठाए। भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए। हाँ सर, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात करें तो प्रदेश में बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं, किस तरह से इस पे जो है वापसी होगी ताकि इस तरह से एकजुटता की? हमारी अनुशासन समिति की बैठक हुई, उसमें तमाम जो लोग संगठन में आना चाहते हैं वापस उन्होंने आवेदन किए और उसके बारे में अभी मैंने देखे नहीं, मैं प्रदेश के दौरे पे हूँ। जो भी फैसला होगा, जो पार्टी आला कमान का निर्देश होगा, क्योंकि ये नीतिगत मामला है, इस पे फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी, जो फैसला होगा वो आप लोगों को बता दिया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए सर कितनी तैयार है कांग्रेस की तैयारी? देखिए, मुझे तो बहुत कम समय हुआ अध्यक्ष बने और मैं जब से अध्यक्ष बना हूं मैं बिल्कुल चुनावी मोड में आ गया हूं। पहले ही हमने बनने से पहले ही मैंने जिस दिन कार्यभार संभालना था उस दिन जनसभा का आयोजन किया और उसी दिन से हमने जंग की शुरुआत कर दी और मैं खुद जो है जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकों में हिस्सा ले रहा हूं और मैंने पहले चरण में सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर का दौरा किया। दूसरे चरण में मैंने मंडी, आज कुल्लू आया। अब दो संसदीय क्षेत्र मैंने लगभग पूरे कर दिए, अब तीन संसदीय क्षेत्र, अब कांगड़ा बचा है, वहां भी मैं शीघ्र जाऊंगा। बाकी हमारी 4 तारीख को जो पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो हमारी, उसमें हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी जो प्रभारी हैं हिमाचल में श्रीमती रजनी पाटिल जी, वो भी आ रही हैं। उस दिन हम पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर जो है भविष्य की रणनीति तय करें। हाँ सर, जिस तरह से सम्मेलन में एक मांग उठी है कि कुल्लू को जो है आज तक लोकसभा चुनाव में टिकट उम्मीदवारी नहीं मिली है, तो क्या इस बार पार्टी जो है कुल्लू के जो है जो जिला कार्यकर्ताओं की जो बात है आगे जाएगी पार्टी लेवल तक? हर पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को टिकट मांगने का अधिकार है। अभी 31 तारीख हमने आवेदन की तिथि रखी है और जो भी आवेदन आएंगे जो हमारी चुनाव समिति है उस पर विचार करेगी और जो भी पैनल बनेगा वो हम अपने
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और अंतिम फैसला जो है वो पार्टी आला कमान करेगी। हाँ सर, नितिन गडकरी का एक बयान आया है कि देश के लोगों को जो है प्रलोभन ना दिया जाए, नहीं तो प्रदेश की जो जनता है वो पीटती है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है और मैं तो तारीफ करता हूँ नितिन गडकरी की, वो बड़े प्रैक्टिकल नेता है, कम से कम सच बोल रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की जनता से झूठ बोला, अब चुनाव आ गया और जब वो लोगों से वोट मांगने जाएंगे निश्चित तौर पे लोग जो है उनका हाथ पकड़ के गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि जो आपने वादे किए उन वादों का क्या हुआ। तो जो भी गडकरी साहब ने कहा उस बात में बहुत सच्चाई है। हाँ, प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, किस तरह से देखते हैं कि प्रदेश में जो महिलाओं की अगर बात करें तो कितने भागीदारी, जिस तरह से आधा प्रदेश की जो आबादी है वो महिलाओं की है? देखिए, काफी समय से हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये मांग कर रहे थे कि श्रीमती प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। अभी उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाए, उनके आने से निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत हुई है और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है खलबली मची है और ऐसे ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और श्री राहुल गांधी को बने एक वर्ष हुआ और एक वर्ष में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत हुई है, चाहे गुजरात के चुनाव, वहां भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रही, तीन राज्यों में हम अभी चुनाव जीते।